मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर हैं। गली गली करिया करिया सब्ज परचमों झंडियों और कौमी परचम वाले मलबूसात समेत दीगर आरायशी अशिया के स्टॉल्स लग गए हैं। इसी बारे में देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। लाहौर शहर में जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर हैं। जिंदा दिलाने लाहौर जश्न आजादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म है। 14 अगस्त की मुनासबत से घरों और गली मोहल्ले को सजाने के लिए छोटे बड़े सभी बाजारों का रुख कर रहे हैं। माह आजादी का आगाज होते ही लोग बड़ी तादाद में सब्ज लाली परचम झंडियां बैंड चूड़ियां फेस पेंटिंग स्टिकर्स बैजेस कैप्स टी शर्ट्स जश्न आजादी की मुनासबत से लिबास चश्मे और दीगर आरायशी अशिया खरीद रहे हैं। बच्चों नौजवानों खवातीन और बुजुर्गों में यकसां जोश और खरोश पाया जाता है। मैंने सारी चीजें खरीद ली हैं बच्चों के लिए झंडियां वगैरह झंडे सूट और एनके वगैरह जो लवाजमत होते हैं 14 अगस्त के लिए बलून लिए हैं और झंडियां ली हैं ड्रेस ले रहे हैं। मार्केट में काफी चीजें हैं लड़कियों की ज्यादा चीजें हैं लड़कों की कम है। मैं इधर 14 अगस्त के लिए कपड़े लेने आया हूँ क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था जो पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्केटों में शहरियों का रश देखकर दुकानदार भी खुश हैं। उनका कहना है कि इस साल लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। पहले की नस्बत काफी रश है गहमा गहमी है बहुत से बच्चे फैमिली आ रही है खरीदारी के लिए यानी कि काम बहुत अच्छा है हमारा। 14 अगस्त करीब आते ही शहरियों के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी भी परवान चढ़ रहा है जिसके रंग हर जगह दिखाई दे रहे हैं। यौम आजादी हमसे ये तकाजा करता है कि जश्न मनाने के साथ साथ हम ये भी अहद करें कि मुल्क की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ताहिर जाफरी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर।